उदयपुर और आज हम लोग उदयपुर के आसपास की जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं नीमच माता, और वो जो है वो पहाड़ पे ऊपर माता जी का मंदिर है। वहाँ से पूरा उदयपुर बहुत अच्छा व्यू आता है। अब जो सामने आप देख रहे हो वो है जन्नत। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन उदयपुर विच इज फतेह सागर लेक, और बीच पूरा लेक है और लेक के चारों तरफ रोड है। जो लेक के बीच में एकदम आपको दिख रहा है वो है नेहरू गार्डन। वहाँ आपको बोट के थ्रू जाना पड़ता है, और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है उस वाले माउंटेन पे। यहाँ से जो है रास्ता स्टार्ट हो गया है, ट्रैकिंग करते हुए जाना पड़ता है ऊपर। 1 किलोमीटर की है आई थिंक यहाँ से रास्ता, दिखना पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना उदयपुर? थक गए? अभी पूरा ऊपर जाएंगे तो वहाँ से पूरा फतेह सागर लेक दिखेगा। ऊपर चल के दिखाता हूँ। तो हम ऊपर आ गए हैं नीमच माता, जो कि एक पहाड़ पे है, और यहाँ पे से काफ़ी टाइम से एक मोर की आवाज़ आ रही है। दिख नहीं रहा है कहाँ पे है बट आवाज़ आ रही है। दो मोर है, और अगर नीचे देखेंगे अपन तो उस रास्ते से आए हम जिसको बोलते हैं रानी रोड, और ये पूरा फतेह सागर लेक है। इस ये पूरा घूमते हुए हम रानी रोड से आए, और फिर नीचे से रास्ता था ऊपर आने का। मंदिर में अभी दर्शन करें एंड अब इन्जॉय कर रहे हैं व्यू को। काफ़ी अच्छा लगा यार, बहुत अमेजिंग व्यू है यहाँ से। हम लोग को आधा घंटा हुआ है बस यहीं पे खड़े हैं, और बस देख रहे हैं हम जगह को, कितनी मस्त जगह है। फतेह सागर लेक के बीच में एक गार्डन है, नेहरू गार्डन, जो मैंने बताया था, और वहाँ बोट से जाते हैं। और इस लेक के पीछे भी एक लेक है, उसको पिछोला लेक बोलते हैं। अगर टाइम मिला तो रात को वहाँ जाएंगे। ये देखो जो जाते टाइम थक गए थे ऊपर चढ़ के, अब ऊपर से इतना चार्ज हो गया है कि अब भागते भागते जा रहे हैं नीचे, जॉगिंग विथ अ व्यू। ऊपर वाकई में जाना वर्थ था। जाने में हमको 25 मिनट लगे थे ना जाने में, आधा घंटा टोटल अराउंड, आधे घंटे में दर्शन हो गए थे। आधा घंटा लगा था हमको ऊपर जाने पर नीचे जाने में मुश्किल से मुझे लग रहा है कि हम 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपको अगर याद हो तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला था कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, मगर अभी मैं जहां आया हूं वहां सफ़र के साथ साथ मंजिल भी बहुत खूबसूरत है। रिसॉर्ट
इस जगह पे देखो, किसी में बालकनी व्यू अच्छा होता है, किसी रिसोर्ट में टेरेस व्यू अच्छा होता है, इसमें तो पार्किंग व्यू इतना अच्छा है। देखो चलें कि यही बैठना है। एसी का रिमोट वगैरह यहाँ लोकल रखा हुआ, एस्ट्रो का मेनू वगैरह आपको इसमें सब मानना दोनों मेनू आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेशल बाल करने दिया जाए, लेकिन आप व्यू पूरे देख सकते हैं आजू बाजू में दोनों तरफ से, सामने स्विमिंग पूल का भी व्यू है। ओके अच्छा ऊपर है ठंडा वगैरह रख सकते हैं आप, चाय टी पानी। तो अब आ गए हैं स्विमिंग करने के लिए। थोड़ा सा वेदर गर्मी वाला हो रहा था, अभी यहाँ पे एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने के बाद जब लंच कर लेंगे उसके बाद आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे कि कैसा है। और अगर आप रेनी सीज़न में पहाड़ों पर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं और आप हिमाचल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइड होती है, तो आप उदयपुर आ सकते हैं, राजस्थान आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं और आपको घूमने में काफ़ी मज़ा आएगा। मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ उदयपुर, मतलब लिटरली बहुत छोटा था, बच्चा था तब से आ रहा हूँ उदयपुर, लेकिन ये वाला उदयपुर मैंने कभी नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम आया हूँ थोड़ा सा अपने घर से बाहर, और जो रिसॉर्ट है भैरव का रिसॉर्ट बहुत ही शानदार जगह है, पूरे पहाड़ों के बीच में, और जो पूल है वो छत पर बना हुआ है, टेरेस पर पूल बना हुआ है। और मैं पिछले एक से दो घंटे से यहाँ पे हूँ, लेकिन ऐसी इच्छा हो रही है कि बिल्कुल यहाँ से निकलूँ ही। पीछे का व्यू देखो यार, मतलब पहाड़ों के बीच एकदम। तो ऐसा है कुछ रात का व्यू, आप मेरे पीछे देख सकते होगे। तो काफ़ी देर स्विमिंग करने के बाद एक पावर नैप ले लिया था 1 आवर का, उसके बाद अभी जस्ट उठ के और हम लोग प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। एंजॉय करने तो अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा हो, जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए नए वीडियोस के।
तो अभी जाते हैं, कुछ थोड़ा भूख लगा है, कुछ खा लेते हैं। रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से रूफ टॉप पे है, तो वापस आके फिर मिलते हैं आपसे।